अब बढ़ते हैं आगे, अब इसकी बात करते हैं। सो एंड बोथ पार्टीज फिल द सेम करेक्टर एज दे फिल इन द प्लेंटिफ सूट। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ रूल 6 ऑर्डर 8। सो बोथ पार्टीज फिल द सेम करेक्टर एज इन द प्लेंटिफ सूट। इन अदर वर्ड्स, इन इजी वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन लाइक दिस कि बोथ द पार्टीज मस्ट फुलफिल। एक सूट कौन सा? डिफेंडेंट का है, सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं। सेकेंड सूट है प्लेंटिफ का। देज आर टू डिफरेंट सूट्स एंड इन बोथ केसेस दे मस्ट हैव द सेम करेक्टर। नाउ टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, लेट्स स्टार्ट दिस नाउ। टेक अप दिस इलस्ट्रेशन। I hope you are enjoying this. A bequeaths rupees 2000 to B and appoints C his executor and residuary legatee. इसका मतलब समझ लीजिए, पहली बात तो first line, because this illustration is very important for your prelims. This illustration is very important for your mains as well, because this illustration exactly may be given as a problem in your mains and you may be asked whether set off can be pleaded or not, whether the plea of set off is legally valid or not. So understand this. और प्लीम्स में पूछ सकता है, एक आध ऑप्शन में हो सकता है कि whether इसमें set off हो सकता है नहीं या नहीं हो सकता है। तो A bequeaths rupees 2000 to B. इसका मतलब क्या है? A gives rupees 2000, 2000 रुपए देता है किसको? To whom? To B. आउट ऑफ एज ए विल, वसीयत के माध्यम से देता है कि आफ्टर माई डेथ रुपीज 2000 शुड बी गिवन टू बी। एंड हु विल गिव यू दिस? आई एम अपॉइंटिंग दिस सी, सी इज माई एग्जीक्यूटर, सी विल गिव यू रुपीज 2000, सी आपको 2000 रुपए दे देगा। तो ऐसे मान लीजिए अरशान है ये, अरशान की नानी, नानी ने कहा, अरशान की नानी ने कहा कि देखो बेटा अरशान, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी रकम छोड़ के जा रही हूँ, पूरे 2000 रुपए तुम्हें मिलेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद मिलेंगे तुम्हें। और देखो 2000 रुपए तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ये मैं शाहीन को अपना एग्जीक्यूटर बना के जा रही हूँ। शाहीन इज द एग्जीक्यूटर का मतलब क्या हुआ कि विल में जितनी भी मेरी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मेरे पैसे यहां खर्च होने चाहिए, इतने ऐसे ऐसे बांटना, उस सबको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? सी कराएगा, शाहीन करवाएगी, और शाहीन को ही बची कुची सब रकम मिलेगी। इसका मतलब क्या? शी इज रेजिडोरी लीगेटी। रेजिडोरी लीगेटी का मतलब यह है कि जो बच जाएगा बांटने के बाद में, जो कुछ बचा कुचा होगा वो शाहीन का होगा। तो रेजिडोरी लीगेटी, ये हुआ इसका मीनिंग है। ठीक, so see the board. A bequeaths 2000 to B and make C as executor. I believe कि ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। B dies, it means जिसको 2000 मिलने थे, and D takes out administration to B's effects. जिसको 2000 रुपए मिलने थे out of will, भाई साहब वो तो गए अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, अब इनका इनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गए हैं डी, यानी कि जो 2000 रुपए क्लेम करेंगे, अब ये डी करेंगे, किससे करेंगे? सी से करेंगे। डी कौन है? हो गए वे, ही इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड देयरफॉर सूज सी फॉर द लीगेसी। का मतलब 2000 रुपीज के लिए इसको सू करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? किसको मिलने थे 2000 रुपए? बी को मिलने थे। क्या हुआ बी के साथ? अल्लाह को प्यारे हो गए। अब कौन आया? बी के प्यारे आ गए, डी आ गए कि देखो प्यारे, तुम, मैं तो जा रहा हूं ऊपर, लेकिन तुम 2000 रुपए मत छोड़ना शाहीन के पास, ये रहे 2000 रुपए, तुम रिकवर करोगे, चाहे तो तुम्हें सू करना पड़े, तुम्हें मुकदमा करे पड़े, भले। इसे कहते हैं सूट फॉर लीगेसी। तो दिस इज द सूट फॉर लीगेसी फॉर 2000। सो डी, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी, इज सुइंग नाउ सी फॉर रुपीज 2000, यानी कि लीगेसी अमाउंट के लिए। हाँ या ना बताइए? नाउ आगे बढ़ते हैं। सी
पेज रुपीज 1000 एज श्योरिटी टू डी, प्लीज रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली। सी ने पेमेंट कितना करा है? 1000 रुपये। किसको किया है? डी को किया है। और किस कैपेसिटी में किया है? एज श्योरिटी ऑफ डी। डी की जमानत देने के लिए भाई साहब को पैसे खर्च करने पड़ गए थे कभी। तो अब क्या होगा? सी हैज ए राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम डी, लेकिन इन पर्सनल कैपेसिटी। समझ रहे हैं? अब जब ये मुकदमा हुआ, डी ने जो मुकदमा किया सी पर, वो क्या किया? फॉर लीगेसी किया 2000 के लिए। कि यहां पर डी कौन है? यहां पर ये डैडू नहीं है, यहां ये इंस्पेक्टर हैं, यहां ये प्रिंसिपल हैं, यहां पर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं बी के, LR ऑफ बी। बात समझ रहे हैं? तो इनकी जो कैपेसिटी है डी की, वो यहां पर पर्सनल कैपेसिटी नहीं है। यहां पर डी की जो कैपेसिटी है, जो करैक्टर है इन हिज सूट, वो कौन सा हुआ? एज दी LR ऑफ बी। वो यहां डैडू बन के नहीं आया, यहां वो पापा बन के नहीं आए हैं, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं आए हैं वो यहां पर उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है उसमें सू किया है उन्होंने सी को। सी ने कहा कि ना, मेरे 10000 रुपये कौन देगा? कह रहे भाई वो तूने डैडू को दिए थे। कह रहे तुम कौन हो? कि मैं डैडू नहीं हूं, मैं डैडू जैसा दिखता हूं लेकिन मैं हूं नहीं। बात समझे? कि मैं हूं लेकिन नहीं हूं, मैं डी हूं पर्सनल कैपेसिटी। जिसको 1000 रुपये दिए थे, 1000 रुपये देने पड़ गए थे जिसकी जमानत के लिए, वो कोई और था, वो पर्सनल कैपेसिटी में था वो। लेकिन मैंने जो सू किया है वो आपको एज LR ऑफ बी किया है, इसलिए आपका जो सूट, आप जो क्लेम कर रहे हो सेटअप, जो आपका जो सूट हुआ उसमें हमारी सेम कैपेसिटी नहीं है। आपका और मेरा जो लेन देन है 1000 रुपये का, वो पर्सनल कैपेसिटी में है, ना कि सेम उसमें एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो बी की कैपेसिटी में है। तो इस नाते सी कैन नॉट डू सो, वो सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर दोनों की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। तो प्लीज लेट मी नो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। नाउ नेक्स्ट पार्ट। सो इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज। सो जो सी का जो फर्स्ट पार्ट है अभी, उसकी कंडीशंस, इफ दोज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन देन व्हाट द डिफेंडेंट कैन डू? डिफेंडेंट मे प्रेजेंट ए WS, डिफेंडेंट मे प्रेजेंट ए WS एंड व्हेन? एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट। डोंट फॉरगेट दिस लाइन एंड एवरीवन गेट्स कंफ्यूज हियर इटसेल्फ। वो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या है, क्या करना है इसमें। प्लीज सी द बोर्ड, रीड द लैंग्वेज वेरी केयरफुली। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन व्हाट? लीगली रिकवरेबल सम, सेइंग कैपेसिटी, ब्ला ब्ला, असर्टेन्ड, जो भी हमने पहले 7 कंडीशंस पढ़ी हैं। इफ दोज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन डिफेंडेंट मे प्रेजेंट ए WS, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लेम्स, व्हेन? एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। डोंट फॉरगेट दिस लैंग्वेज। 30 डेज, 90 डेज के चक्कर में मत फंसना यहां पर। एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। अब देखिए मैं इसको यहां बताता हूं क्या मामला है यहां पर। ये तो वन थ्योरी इज दिस, वन थ्योरी इज दिस बिकॉज इट कैन बी ए पार्ट ऑफ द सेट ऑफ। सो 30 डेज, 90 डेज में यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट बेयर एक्ट क्लियरली सेज दिस, इट मे बी फाइल्ड, इट मे बी प्रेजेंटेड बिकॉज इट्स अ सूट इटसेल्फ। इस पे जो सेट ऑफ का जो क्लेम होगा उस पर कोर्ट फीस जाएगी बकायदा अलग से। तो इट मे बी प्रेजेंटेड एट द फर्स्ट हियरिंग। वो फर्स्ट हियरिंग का मतलब क्या है? टेक्निकली फर्स्ट हियरिंग का मतलब ये होता है व्हेन द प्लीडिंग्स आर कंप्लीट। ये भी आ गया, ये भी आ गया, प्लेंट भी आ गई, WS भी आ गया। तो टेक्निकली इफ यू गो बाय दिस बेयर एक्ट देन इट मीन्स वॉट? कि इट शुड बी नोट लेटर देन बाय द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। फर्स्ट हियरिंग सूट कब होती है? जब प्लेंट भी आ गई, WS भी आ गया। इट मीन्स कि इन केस यू वॉन्ट टू फाइल द सेट ऑफ, यू मे बी गिवन एट द मोस्ट टाइम अप टू द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, एंड इफ आफ्टरवर्ड्स यू नीड परमिशन ऑफ द कोर्ट अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नोट? यहां पे सेट ऑफ
कब प्रेजेंट किया जा सकता है उसका टाइम यहां पे दिया हुआ है, एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। यहां पे 30 डेज 90 डेज के भुलावे में मत आना, लिख लीजिए पी फॉर प्लिम्स अलग से हाईलाइट करके। अच्छे अच्छों का ध्यान यहां पर नहीं जाता है, लेकिन दिस इज क्लियरली स्टेटेड हेयर, प्लीज रिमेंबर दिस लाइन इफ द क्वेश्चन इज दैट व्हेन दिस सेट ऑफ कैन बी प्रेजेंटेड एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट बट नॉट आफ्टरवर्ड्स अनलेस परमिटेड बाय द कोर्ट। ये बात को याद रख लेना, पी फॉर प्लिम्स लिख लीजिए, हाँ है ना। एंड नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, ये आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ द लेक्चर इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ के बारे में। अगेन ये डायरेक्ट लैंग्वेज को पढ़ के समझाता हूँ। द डब्ल्यू एस यानी कि रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज ए प्लेंट इन द क्रॉस सूट पी फॉर प्लेम्स। ये बात कहाँ लिखी है, डब्ल्यू एस कंटेनिंग सेट ऑफ, तो रिटन स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट एज द प्लेंट इन द क्रॉस क्लेम। क्रॉस सूट का मतलब क्या हुआ, ये देखिए मैं आपको बोर्ड दिखाता हूं। दिस इज ए सूज बी, ये हुआ सूट नंबर वन, सूट नंबर वन दिख रहा है आपको। अब बी ने कहा अच्छा बच्चा हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊ, तो हम भी सूट दाबेंगे तुम पर। सूट नंबर टू बी अगेंस्ट ए, अब कितने सूट हो गए, तो इसे कहते हैं सूट नंबर टू है, ये कहलाएगा क्रॉस सूट। क्या कहलाएगा, क्रॉस सूट। तो क्रॉस सूट में प्लेंट किसने फाइल की, बी ने फाइल की। क्रॉस सूट का मतलब है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे पर सूट दायर करें, तो दोनों ही प्लेंटिफ हैं अपने अपने सूट में। तो ये कह रहे हैं कि व्हेन द सेट ऑफ इज क्लेम्ड देन दैट हैज द सेम इफेक्ट एज द प्लेंट इन द क्रॉस सूट। ये बात कहां लिखी है, रूल 6 के पार्ट 2 में लिखी हुई है, ठीक। सो एज टू इनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस ए फाइनल जजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ द ओरिजिनल क्लेम एंड ऑफ द सेट ऑफ। ओरिजिनल क्लेम वॉज ब्रॉट बाय प्लेंटिफ, सेट ऑफ वॉज ब्रॉट बाय डिफेंडेंट। सो इन दैट केस कोर्ट कैन प्रोनाउंस द फाइनल जजमेंट इन रेस्पेक्ट टू बोथ ओरिजिनल क्लेम के बारे में भी और डिफेंडेंट के बारे में भी। इन दिस केस नाउ देयर विल बी टू जजमेंट्स, वन रिगार्डिंग विल द ओरिजिनल क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ जो लेकर आए थे, एंड सेकेंड विल बी with regard to the claim of the defendant in the form of set off. तो दो जजमेंट आएंगे। अगर प्लेंटिफ का जो क्लेम है वो डिसमिस हो जाए, वो विड्रॉ कर ले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो जजमेंट दो होंगे, है ना पोसंपा खेलते ना, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी वो सब, अब तो जजमेंट दो करने पड़ेंगे, तो ये भी इसका अलग जजमेंट आएगा, ठीक है। सो दिस इज अप टू द 6 एंड नाउ दिस इज द कंक्लूडिंग पार्ट, लास्ट वो इसमें देखिए क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्री के लिए हो सकता है। दिस शैल नॉट अफेक्ट द लीन, लीन ऑफ होम, लीन ऑफ द प्लीडर यानी कि वकील साहब। किस पर लीन, लीन अपॉन द अमाउंट डिक्रीड in respect of the cost payable to him under the decree. It means if the decree provides for what? Cost. Cost किसके? Cost payable to him. जो वकील साहब हैं, अगर उनको कोई cost दिलाई जानी है उस suit में से, तो उनका जो lien होगा, उनका जो उस पर कर्ज माना जाएगा, वो इससे प्रभावित नहीं होगा, सेट ऑफ के रूल से नहीं होगा। इट मींस व्हाट कि सेट ऑफ करने से पहले भाई पहले उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, इसका मतलब ये हुआ। वकील साहब ने केस लड़ा, ठीक है, इधर बेचारे इनकी भी सुनी उसकी भी सुनी, और बाद में सेट ऑफ करके घर बैठ जाए, तो एज एडवोकेट मैं कहां गया, हां मेरा कौन देगा, कहां, हु विल प्रोटेक्ट मी। तो आई विल बी प्रोटेक्टेड बाय दिस पार्ट ऑफ द रूल 6 दैट My lien shall not be affected. My lien as a pleader. On what? On the amount decreed. जो amount हुआ था decreed, मतलब जो court ने कहा कि इतना amount दिया जाएगा, मान लो 1000 रुपए दिए जाएंगे और वकील साहब का कितना lien बनता था 200 रुपए, तो पहले दो 200 रुपए इनको, बाकी बातें बाद में होंगी। So the lien of the pleader shall not be affected. This is the question for the prelims, mains when he पूछेंगे आपसे।
यस और नो, एंड दिस थर्ड सिक्स की थर्ड, द रूल्स रिलेटिंग टू द डब्ल्यू एस बाय द डिफेंडेंट, द रूल्स रिलेटिंग टू द डब्ल्यू एस बाय द डिफेंडेंट अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू द क्लेम ऑफ सेट ऑफ। समझे कि नहीं? सेट ऑफ क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए ये रहे ई बाबू, इन्होंने फाइल किया सूट अगेंस्ट बी, इन्होंने फाइल किया सेट ऑफ, सेट ऑफ फाइल हो गया। अब इसका रिप्लाई कौन करेगा? ए विल रिप्लाई। अब ए जो रिप्लाई करेंगे उसे क्या कहेंगे? उसको भी कहेंगे डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस कौन सा? डब्ल्यू एस इन आंसर टू द क्लेम ऑफ सेट ऑफ। तो इन पर कौन से नियम लागू होंगे? कौन कौन से नियम पढ़े डब्ल्यू एस के? रूल वन कौन सा था? 30 डेज, 90 डेज, 1A डॉक्यूमेंट, 2, 3, 4 स्पेसिफिक डिनायल, इवेजिव डिनायल, वो सारे रूल्स इन पर भी लागू हो जाएंगे। ए रिटन स्टेटमेंट, द रूल्स रिलेटिंग टू द रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट अप्लाई टू डब्ल्यू एस इन आंसर टू द क्लेम ऑफ सेट ऑफ। कैसे समझेंगे? ये समझेंगे। अरशान भाई साहब ने एक सूट फाइल किया, अरशान भाई साहब ने एक सूट फाइल किया, ही इज अरशान, अरशान, एंड ये है नूर जहां। सही है, नूर जहां मैडम के खिलाफ ये हो गए प्लेंटिफ, ये है मैडम डिफेंडेंट। सूट फाइल कर दिया अरशान भाई साहब ने और चिल्लाने लगे, खड़े होकर गए कि मैडम 30 डेज के अंदर डब्ल्यूएस फाइल हो जाना चाहिए, पढ़ लेना रूल जाकर के, मैंने पढ़ रखा है, 90 डेज में हो जाने चाहिए, डॉक्यूमेंट दे देना सब, वरना बता दूंगा आपको, मैं डीम्ड एडमिशन के चक्कर में मत फंसना, आर्ग्यूमेंट करूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग। सारे रूल्स पढ़ा दिए नूर जहां को डब्ल्यू एस से रिलेटेड। नूर जहां ने चुपचाप एक सेटअप घुसा दिया उसमें कि ले बेटा तू भी सेट ऑफ ले आओ। अब सेट ऑफ का रिप्लाई करना पड़ेगा किसको? अरशान को। अब नूर जहां कहेगी कि बेटा जो रूल तुम मुझे पढ़ा रहे थे ऑर्डर 8 के, कह रहे मैं तो प्लेंटिफ हूं, कह रहे ना तू प्लेंटिफ होगा अपने केस में, अब जो मेरा सेट ऑफ है, मेरे सेट ऑफ का रिप्लाई तू ऐसे करेगा जैसे तू भी जैसे डिफेंडेंट है, एंड नाउ ऑर्डर 8 बेटा अरशान तुम पर भी अप्लाई हो चुका है, समझे, ऑर्डर 8, सो यू विल हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एज ए डिफेंडेंट हैव टू फॉलो इन ए सूट, बिकॉज नाउ यू फॉर माई सेट ऑफ योर स्टेटस इज ऑफ ए डिफेंडेंट नाउ, आई एम डिफेंडेंट इन योर ओरिजिनल क्लेम एंड यू आर डिफेंडेंट इन माई सेट ऑफ क्लेम, सो रूल्स ऑफ द डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल इन बोथ केसेस। तो आई बिलीव कि अब आपको समझ में आएगा, कहानी से भी समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से भी समझ में आया होगा, नहीं तो बताओ फिर मैं अमिताभ बच्चन को लाना पड़ेगा बस। सो अब ये अच्छी तरीके से सब समझा दिया गया, डब्ल्यू एस क्या होगा सब, दिस इज रूल 6 ओवर नाउ फ्रॉम माय साइड, एंड टॉपिक ऑफ लीगल सेट ऑफ इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक अप द इशू ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ एंड देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ काउंटर क्लेम, एंड इन दैट ऑल्सो वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस सेट ऑफ एंड द काउंटर क्लेम, एंड बाय बाय फॉर टुडे।